गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना बैग कलेक्शन। यस गाइज, मेरे पास काफी सारे बैग्स हैं और मुझे बैग्स को कलेक्ट करने का बहुत ही क्रेज भी है। मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं, तो मैं आप लोगों के साथ मेरे सारे बैग्स शेयर करूंगी वन बाय वन। नहीं, मेरी वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आपको करना है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइज, मेरा सबसे पहला बैग है ये गोल्डन कलर का, और ये है कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में। मेरे पास काफी सारे स्क्वेयर और होबो और शोल्डर बैग, स्लिंग बैग थे, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का बैग नहीं था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जब मैं इसको किसी इंडियन वेयर के साथ वेयर करती हूँ, तो काफी अच्छा लगता है ये। तो ये देखिए, इस तरीके का है कुछ, और ये मैंने लिया था स्टिलेटोस से, और इसके साथ आपको इसकी स्लिंग मिल जाएगी। ये काफी पुराना है, लगभग 3 साल पुराना होगा ये। तो ये स्टिलेटोस से मैंने लिया था, इस तरीके से आपको स्लिंग मिल जाएगी। आप चाहें तो स्लिंग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप स्लिंग नहीं यूज करना चाहते हैं इसके साथ, तो आप इसको नॉर्मली ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, और आपके पास गाइज हमेशा एक गोल्डन या फिर सिल्वर बैग हमेशा होना ही चाहिए, गोल्डन और सिल्वर बैग, क्योंकि ये इस टाइप के गोल्डन जो बैग्स होते हैं ना, वो हर किसी के साथ, हर आउटफिट के साथ जाते हैं। रेक्टेंगुलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, मुझे बहुत फेवरेट है मेरा। तो नेक्स्ट अगर गाइज मैं बात करूं, तो मेरा नेक्स्ट बैग है ये स्लिंग बैग, जो कि मैंने लिया था थाईलैंड से, और ये ना बहुत ही ऐसे फ्लोरल टाइप डिजाइन में है। थोड़ा सा इसका यहाँ फ्लावर उतर गया है, और ये जो है ये इस तरीके से ओपन होता है, और ये स्लिंग बैग है। बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फ़ोन और वॉलेट वगैरह सब तो आ ही जाता है इसमें, इतना स्पेस तो है ही। और ये आपको मिल जाएगा, इस तरीके के जो बैग्स हैं आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं जब आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं, या फिर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे आपको मनी वगैरह कैरी करना है। और ये भी इस तरीके से स्लिंग के साथ मिल जाएगा, अगर आप स्लिंग लेना नहीं चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से हैंडल को भी कैरी करके, हैंडल को भी पकड़ के इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के बैग्स जो हैं, ग्रे बैग और न्यूड कलर के बैग्स, ये भी सब पीसेस वगैरह के साथ चलते हैं, तो काफी अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ही सुंदर लगाते हैं। मैंने थाईलैंड से लिया था, मैं लगभग गई थी शायद 3-4 साल पहले। उसके बाद मेरा नेक्स्ट बैग है ये वाला, ये भी मैंने थाईलैंड से लिया था। ये बिल्कुल रिच ब्राइडल रेड जो कलर होता है वैसा है, और आप देख सकते हैं इसमें इतनी स्पेस है। स्लिंग बैग है ये भी, इस तरीके से ओपन क्लोज हो जाएगा, ये भी स्लिंग बैग है। आपको यहाँ पे 2 स्लिंग मिल जाएगी, आप चाहें तो इसको लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको डबल भी ले सकते हैं इस तरीके से। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, मुझे ये बैग बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे मेरे सारे ही बैग बहुत पसंद है, बट ये वन ऑफ द फेवरेट बैग है मेरा। और ये ना कुछ गाइस लेदर फैब्रिक नहीं है, ये कुछ आप कह सकते हैं मतलब थोड़ा अलग सा ही फैब्रिक है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट ये बहुत अच्छा है। उसके बाद गाइस मेरा नेक्स्ट बैग है एक शोल्डर बैग, जो कि काफी बड़ा है, आप देख ही सकते हैं। लावी से मैंने लिया था, पता नहीं कौन से मॉल से लिया था मैंने कहीं, और ये काफी मेरे पास बड़ा बैग है, और ये देखिए कितना स्पेस है इसमें, और ये ग्रे कलर का है क्योंकि मुझे ग्रे कलर बैग में बहुत अच्छा लगता है। और इसके पीछे देखिए इस तरीके की जिप भी है, बहुत इजिली आप कोई भी छोटा मोटा सामान यहाँ डाल सकते हैं। और मेरे पास ना गाइज बहुत ही साइज, अलग अलग साइज के बैग्स हैं, छोटे छोटे से लेके काफी बड़े बड़े बैग्स भी हैं। तो ये थोड़ा सा बड़े साइज में आपको मतलब अगर आप बड़े साइज का बैग लेना चाहते हैं तो इस तरीके का लावी और कैप्रिजी पे बहुत अच्छी ऑप्शंस होती हैं। उसके बाद गाइज ये बैग भी मैंने थाईलैंड से ही लिया था, मैंने 3 बैग लिए थे, और ये गोल्डन कलर का बैग है। इस बैग में बहुत कम स्पेस है, बट ये बहुत सुंदर लगता है मुझे, मेरे को ये बहुत बहुत पसंद है ये बैग। ये देखिए इसके पीछे भी छोटी सी पॉकेट आपको मिल जाएगी, और आगे की साइड इस तरीके से ब्यूटीफुल सा डिजाइन है। 4 साल हो गए हैं मुझे थाईलैंड से लाए इस बैग को, बट ये अभी भी एज इट इज है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। ये देखिए स्पेस काफी कम है, बट बैग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बैग है, देखिए अच्छा है ना। और गोल्डन के जो कलर है उसके साथ, मतलब जैसे मैंने बताया, हर आउटफिट के साथ आपका जाता है। उसके बाद गाइज मेरा नेक्स्ट बैग है अगेन ग्रे कलर का बैग, और ये है, ये इस तरीके से आप कह सकते हैं स्लिंग बैग, इसके साथ स्लिंग भी आपको मिल जाएगी, और ऐसे हैंड हेल्ड बैग भी बन सकता है ये। वेस्टर्न आउटफिट, इंडियन आउटफिट के साथ जाते हैं इस तरीके के बैग। ये देखिए इसके साथ इसकी ये पूरी बेल्ट आपको मिल जाएगी, नॉट स्लिंग बस बेल्ट, और ये कार्लटन लंदन का है, और ये भी काफी अच्छा है, स्पेस भी बहुत अच्छी है इसमें। उसके बाद गाइज मेरा नेक्स्ट बैग है एक छोटू सा बैग,
कि देखिए इस तरीके का, जब भी मैं कहीं ट्रैवलिंग करती हूँ तो बहुत जब कम सामान लेके जाना होता है, हाथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लेके जाते हैं, तो वो मैं इसमें कैरी करती हूँ, जैसे फ़ोन, वॉलेट वगैरह। तो ये बहुत छोटा सा ये बैगेट का है, देखिए इसमें स्पेस बहुत कम है, बट ये बहुत ही इजीली इस तरीके के बैग में ना आप मनी वगैरह कैरी करके ले जा सकते हैं, क्रॉस बॉडी करके भी आप इसको ले सकते हैं और स्ट्रेट इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं। स्लिंग इसका एडजस्टेबल है, जो मतलब बेल्ट है जो इसकी, वो एडजस्टेबल, एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो ये बैगेट का है, ये मैंने किसी मॉल से लिया था, मुझे याद नहीं है कौन से मॉल से लिया था। उसके बाद गाइस मेरा नेक्स्ट बैग है ये ब्यूटीफुल सा एथनिक टाइप बैग, और गाइस ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। ये जो बैग है ये मैंने लिया था रजौरी गार्डन से, और ये मेरी शादी का बैग है गाइस। यस, मेरी शादी में मैंने ये बैग लिया था, कुछ आई थिंक 800 रुपीज का। यस तो ये काफ़ी अफोर्डेबल था और ये बहुत ही अच्छा है, इसमें काफ़ी सारी स्पेस भी आप देख सकते हैं। ये रजौरी गार्डन से मैंने लिया था, मुझे थोड़ा सा मल्टी कलर बैग टाइप चाहिए था इसलिए मैंने ये लिया था, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देखिए, और आज तक एज इट इज है, 8-9 साल हो गए। मेरा नेक्स्ट बैग है ये पार्टी वेयर बैग, ये है थोड़ा मस्टर्ड येलो या फिर ऑरेंजिश कलर आप बोल सकते हैं इसको, बीच का सा कलर है येलो और ऑरेंज के, और ये इस तरीके से यू नो ओपन होता है, और इसके साथ भी आपको स्लिंग मिल जाएगी, अगर आप स्लिंग चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो आप यू नो इस तरीके से हैंड में भी इसको कैरी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये मैंने मेरे ब्रदर की मैरिज में येलो कलर का लहंगा पहना था, उसके साथ मैंने बैग लिया था। उसके बाद गाइज मेरा नेक्स्ट बैग है ये मैंने रिसेंटली लिया था एलन सोली का, आप देख सकते हैं मुझे बैग्स बहुत पसंद है इसलिए मेरे पास काफ़ी सारे बैग्स हैं। ये एलन सोली का बैग मैंने रिसेंटली लिया है और आप देख सकते हैं इसका टैग भी लगा हुआ है, और ये देखिए इस तरीके से ओपन हो जाता है, और इसमें भी काफ़ी स्पेस है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, आप देख ही सकते हैं मैंने इसको अभी यूज़ नहीं किया, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। मुझे इस टाइप का ही कुछ बैग चाहिए था जो यू नो शॉर्ट स्लिंग के साथ हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग स्लिंग के बैग मेरे पास काफ़ी हैं, आप देख ही लिया आपने, तो इस तरीके का। इसमें एक ब्लैक भी कलर था बट मुझे ये टैन कलर ज़्यादा अच्छा लगा, और तो मेरे पास ब्लैक कलर नहीं है बैग में बट स्टिल मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा, और ये यू नो वेस्टर्न आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा, इंडियन आउटफिट के साथ ये इतना अच्छा नहीं लगेगा बट वेस्टर्न आउटफिट के साथ ये बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। एलन सोली का है तो इसलिए ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। उसके बाद गाइज मेरा नेक्स्ट बैग है हाई एंड साइड, ये है कोच का बैग आप देख सकते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा बैग है, ब्राउन कलर का है, और ये देखिए पीछे की साइड आपको जिप मिल जाएगी, काफ़ी कंफर्टेबल है ये बैग, इसकी क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छी है क्योंकि ये हाई एंड साइड है, और इसके साथ भी इस तरीके से स्ट्रैप आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं की है बट इसमें रखी है, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया आप देख सकते हैं, और ये बैग जो है इसमें स्पेस काफ़ी आपको मिल जाएगी, और ये भी इस तरीके से का शॉर्ट होबो बैग आप बोल सकते हैं, होबो बैग है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैग है, और ये थोड़ा सा हाई एंड साइड है तो इसलिए मैं इसको स्पेशल फंक्शंस वगैरह में ही कैरी करती हूँ। उसके बाद गाइज मैं अपने वॉलेट्स आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरा वॉलेट टॉमी हिल्फिगर का, और ये भी मैंने किसी मॉल से ही लिया था, और इस तरीके से जैसे कि नॉर्मल वॉलेट आपके होते हैं काफ़ी सारी आपको यू नो पार्टीशंस वगैरह मिल जाएंगी, तो ये काफ़ी अच्छा है, ये वाइट रेड कलर का मुझे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद गाइस मेरे पास एक बहुत छोटू सा बैग भी है, क्योंकि ये बैग भी मुझे मार्केट में कई बार बड़ा लगता है, मतलब ये वॉलेट भी बड़ा लगता है, तो मैं सबसे छोटे वाला वॉलेट अपना लेके जाती हूँ, तो ये है जैक एंड जोन्स का, और ये प्योर लेदर में है, आप देख सकते हैं प्योर लेदर में है ये, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और इसमें भी स्पेस काफ़ी, आप देख सकते हैं कितना अच्छे वाला लेदर इस पर यूज़ हुआ है, और ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इस तरीके से यू नो ओपन और क्लोज हो जाता है, और सबसे अच्छी बात इस मतलब वॉलेट में ये है कि ये बहुत ही छोटू सा है, मैं इसको बहुत इजीली ऐसे करके भी कहीं ले जाती हूँ, तो ये मुझे बहुत कम्फर्टेबल लगता है। तो गाइज ये थी मेरी वीडियो, मैंने आपको दिखाए अपने सारे बैग्स, और अगर आपको इनमें से कोई भी बैग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।